वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम एमआरपीएल, एनएकेएम, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे चेक करने वाले। तो एमआरपीएल स्टॉक ने आज 77 लेवल पे क्लोजिंग दिया, तकरीबन 1.90 पैसे की गिरावट, 2% से ज्यादा गिरावट आज फिर से देखने को मिले स्टॉक में। तकरीबन दो तीन दिनों से आप देख रहे की न्यूज आने के बाद, टैक्स बढ़ाने के बाद उसके गिरावट हो रहे, तो अभी भी कंटिन्यूस गिरावट ही देखने को मिले। तो देखा जाए तो आज ओपन हुआ था गैप अप से, ऊपर ओपन होने के बावजूद तेजी से गिरावट हो चुकी थी। प्रीवियस क्लोजिंग के साथ काफी समय ट्रेडिंग हो गई, जैसे प्रीवियस क्लोजिंग को भी ब्रेकआउट दिया तो और गिरावट होने के चांस दिखाई दी थी। तकरीबन मार्केट कैप देख सकते 13.52,000 करोड़ पे आके रुका है और पी रेशो अभी भी अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में 21% की गिरावट हो चुकी है, यानी कि 21 पॉइंट की। तो सबके माइंड में यही सवाल है कहाँ तक गिरावट हो सकती है स्टॉक में, वो भी यहाँ पे हम लेवल चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो आज के दिन का वॉल्यूम भी देख सकते हो, तो 75 लाख का टोटल वॉल्यूम देखने को मिला है। ट्रेडेड वैल्यू भी देख सकते हो, 5,933 लाख के टोटल ट्रेडेड वैल्यू है। तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन भी देखा जाए, जितने भी क्वांटिटी ट्रेडेड थे 67 लाख में से 24 लाख यहाँ पे डिलीवरी के लिए जा चुके हैं, यानी कि तकरीबन 37% जो क्वांटिटी है डिलीवरी के लिए जा चुकी है आज में ट्रेडिंग में से। तो एमआरपीएल स्टॉक के यहाँ पे चार्ट पे नजर डाली जाए तो रिसेंटली देख सकते हो कि हमने भी यहाँ पे 77 लेवल पे यहाँ पे सपोर्टिव लेवल बनाई है, जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एमआरपीएल स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया गया था पिछले कई टाइम, मीन्स पिछले मंथ में भी, उसके पहले मंथ में भी सपोर्ट लिया गया था। तो आज भी उसी लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ चुका है, 76 लेवल। तो 76 लेवल एक सपोर्टिव लेवल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एमआरपीएल स्टॉक के लिए। आज कल के दिन उसको ब्रेकआउट करता है तो और नीचे गिरावट हो सकती है, और सपोर्ट 1 जो है 68 लेवल पे, तो वहां तक आने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं यहाँ पे एमआरपीएल स्टॉक के अंदर। तो बाउंस बैक होता है तो फिर से 96 लेवल तक जा सकता है ए लेवल से। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट एमआरपीएल स्टॉक के लिए।